ओके okay जी वेलकम बैक वंस अगेन आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदर ज़मील और फारूक के साथ एंड वी हैव विद अस द लिविंग लेजेंड जमाल साहब उनसे हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं और अभी फैमिली के हवाले से भी बातें हाँ। कर रहे हैं बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इनकी फैमिली में कितने बच्चे हैं और बचपन में शरारती थे कि नहीं ये भी मेरा सवाल है अच्छा जी एक कॉलर हमारे साथ है पहले उनसे बात करते हैं जी असल الحمدللہ جی کون بات کر رہے ہیں ڈاکٹر فہد احمد محمود فرام پاکپتن پرداس جمال صاحب نا گل کرا دیو خوش آمدید جی جی آیا نو گل کرو تسی تہاڈی گل سنن فہد صاحب جی کی حال اے ڈاکٹر سونے کی حالت تکڑے ہو اللہ دا شکر مہربانی فائنٹر سے گئے توانوں تاں 3 وی تو کتے چلے گئے ہو اسی تاں توانوں دیکھن دے ترسے گئے کوئی ڈرامے شرامی کوئی تواڈے پرانے بس انہاں نوں تسی بالکل آؤٹ آف سکرین ہو گئے ہو नहीं डॉक्टर साहब असल मैं आउट नहीं होया, ओ, असली हो असल चैनल इन्ने हो गए ने कि हूँ दरअसल देखिया नहीं जा रहा वरना इस वेली मेरे को दो ड्रामे तो चल ही रहे मुखलिफ चैनल असल जो ज्यादा चीज रश ज्यादा हो जाए ना तो फिर बंदाण मुश्किल हो जाती तो वो टीवी पर रश हो पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक बहुत हो गई है पहले एको ग सारे उन्होंने वेचते समय ਉਹਨ ਗੱਡੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਪਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਹੀ ਹਾਲ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਰਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਏਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲੌਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸ਼ਾਹਫਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਮਨ ਚਲੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ मैं हूँ डायलॉग तो मैं बड़ा अरसा हो गया आदत ही नहीं रही आदत है मैं जो कर ला बिलकुल टेप की तरह रेस कर लेना चूंकि जो किया है कुछ नहीं किया करना है जो भी करना है चूंकि जिंदगी वास्फ अली वास्फ सरकार फरमाने जिंदगी वो नहीं तो जो हम गुजार चुके हैं जिंदगी वो है जो भी हमने गुजार गुजारनी है वा, वा, तो, वा, वा। वा। वा, वा। तो वासिफ साहब वासी रहमत वो उनकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं तो जो कर चुके हैं वो कर दिया है अब आगे क्या करना है हमें आगे सोचना चाहिए हमारी बदबकती यही है बदकस्मती यही है कि हम माजी को ही पीटते रहते हैं माजी की है। लेकिन है। माजी इतना शानदार है तो याद तो शानदार था या नहीं था गुजर गया सो गुजर गया सही आगे देखो क्या करना है तो मैंने कभी भी जो किया है उस पर वो नहीं किया कि ये no, परफेक्ट, परफेक्ट। तो मतलब आए पेशावर से आप लाहौर ड्रामा वगैरह द्रा किए तो आपका नाम फिरदौस जमाल तो अक्सर लोग अपना नाम चेंज कर लेते हैं जब वो फिल्मी दुनिया में या जब वो स्टार बन जाते हैं तो आपने कभी सोचा कि मैं नाम चेंज करूं फारूक पता क्या है हमारे पठानों में नाम बदलना गाली है अच्छा हाँ, वो ये है ना कि अगर देखो मैंने ये काम नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना आगे। आगे। <laughs> अच्छा वो सीरियसली लेते हैं थीक, थीक। भाई अगर आपकी कोई आप में कोई को, सलाहियत ही नहीं है तो तभी आप दूसरी चीजों का सहारा लेते हो ना सही, सही, आपको अपने आप पे एतमाद ही नहीं है तो शुरू शुरू में मैं जब लाहौर आया तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कहते थे आ रहे थे कुड़िया वाला ना, ना है अब <laughs> एक वाक्य भी है वाक कुला ना है कहा यार बात ये मैं एक दिन इस कुड़िया वाले ना को मर्द अला करांगा मैं इस जो लड़की वाला जो फिरदौस है ना इसको फिरदौस को मैं मर्द बना के अच्छा इसमें एक और वाक्य हुआ कि सेवनटी सिक्स में जब पहली बार मुझे पिशावर टीवी से से अलसीब करे एमएनएच में मोहम्मद निसार हुसैन ने एक मोहब्बत सोफ अफसाने अशफाक साहब के जो था तो वो जो है आ, उसके लिए बुलाया तो डायरेक्ट उन्होंने मुझे लाहौर नहीं बुलाया पहले उन्होंने कहा आउटडोर करेंगे मरी में आई वॉज वेरी क्वाइट यंग मेरा ख्याल है अट्ठारह उन्नीस बीस साल के सम्ड़ीव मरे सम्ड़ीव मरे सम्ड़ीव आ, तो वो आ, मेरे लिए वहां पे सबने कमरे बुक किए थे वो एक रिक्वजिशन जाती है पिंडी टीवी प्रोसीजर प्रॉपर प्रोसीजर लाहौर से पिंडी उन्होंने कहा जी फला फलाम बंदे के लिए वहां से सेल होटल में मरी में कमरे आप बुक कर लें तो मेरा नाम तो वो जो रेकोजिशन जो पिंडी टीवी ने जो दी मरी सिसल तो उन्होंने मेरा नाम वहां पे मिस सिरदोस जमाल रख दिया अब उनको शायद पता नहीं था नहीं। उन दिनों में इतना पॉपुलर नहीं था फिरदौस हमारी आर्टिस्ट भी थी ना फिल्मों की फिल्मों की फिरदौस जैसे हीर किया था बड़ा लाफानी किरदार किया था अच्छा वो जो है अब जब मैं पहुंचा ये सब लोग पहुंच चुके थे मैं गया वो रिसेप्शन पे मैंने कहा जी मेरे लिए कमरा है यहाँ पे पीटीवी की तरफ से रूम है उन्होंने कहा जी यहाँ सारे तो आ चुके हैं एक रूम है किसी मिस फिरदौस जमाल के लिए आपके लिए तो कोई कमरा नहीं है मैंने कहा जी मैं वो मिस फिरदौस जमाल मैं ही हूँ नहीं जी आप तो मिस्टर मैं जो। मैंने कहा मैं ही वो नहीं जी आप जो मिस्टर वो माने ही नहीं फिर उन्होंने <laughs> सार साहब को ऊपर से बुलाया उन्होंने कहा भाई वो उन्होंने गलत ये मिस्टर ये नहीं यही फिरदौस जमाल है, है। फिरदौस साहब शादी किस उम्र में हुई आपकी मैंने शादी थोड़ी सी लेट की थी मेरा ख्याल है 30 साल की उम्र में उसकी वजह ये थी कि मेरा जब मैंने बचपन से ही मेरा ये था कि शादी मैंने आर्ट के साथ कर ली है मेरी बीवी